गोरखपुर में जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी आए थे तो मेरी विधानसभा क्षेत्र की एक प्रमुख मांग थी, क्योंकि अभी तक केवल 132 केवी का ग्रिड बुरानाबाद में स्थापित था और वह पटरी के उस पार स्थापित था और पटरी के इस पार घिनौदा से लेके और रून खेड़ा पटलावदी आख्या मोकड़ी पूरा बेल्ट लगभग 60-70 गाँव के बेल्ट वोल्टेज की खूब समस्या रहती थी। और जब माननीय मुख्यमंत्री जी खाचरौदा आए थे उस वक्त मैंने उनसे घोषणा कराई थी, मेधपुर में एक टेंटिवली उन्होंने उसका भूमि पूजन करा था। सौभाग्य से आज चूँकि पूरे मध्य प्रदेश में 15 मई से लेकर 15 जून तक विकास यात्राएं लगेगी और भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायक मध्य प्रदेश के जहां जहां भूमि पूजन लोकार्पण होना है उन गाँव में जाके और भूमि पूजन लोकार्पण करेंगे। आज 132 केवी ग्रिड का गढ़ी भेसोला में जिसकी लागत लगभग 28 करोड़ रुपए की लागत आएगी, आज उसका भूमि पूजन दोपहर को हुआ है। इससे लगभग 70 गांव के आम उपभोक्ताओं को, चाहे वो घरेलू हो चाहे सिंचाई के, उनको सीधे सीधा लाभ होगा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि रूनखेड़ा बटलावदी बंजारी घिनौदा आख्या मोकड़ी खुरमड़ी इन सारे जितने 33 केवी ग्रिड है उन ग्रिडों पर सीधे सीधे वोल्टेज की जो समस्या उस समस्या से निदान मिलेगी। और एक बहुत बड़ी लगभग उपलब्धि मेरे इस मध्य प्रदेश इस विधानसभा क्षेत्र की है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी इस विधानसभा के अंदर इन 15 वर्षों में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, इन 15 वर्षों में लगभग मेरी विधानसभा में 25-33 केवी ग्रिड है और 25-33 केवी ग्रिड में से लगभग 14 ग्रिड मात्र इस 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बने हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं ये कह सकता हूँ कि ग्रामीण अंचलों में जो अमूलचूल परिवर्तन बिजली के क्षेत्र में हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश में 2003 से सरकार बनने के बाद हुआ। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन 4 वर्षों के अंदर जहाँ मैंने आपको बताया कि लगभग 14 ग्रिड हमने नए बनाए हैं, 32 केवी की 190 किलोमीटर लाइन हमने इस पूरी विधानसभा के अंदर मात्र इन 14 वर्षों के अंदर बढ़ाई और लगभग 453 लाख रुपये हमने इस काम में खर्च करे हैं। 11 केवी की लाइन हमने लगभग 708 किलोमीटर की लगाई जिसमें 1240 लाख रुपये हमने इन 14 वर्षों में खर्च करें और LT लाइन की 152 किलोमीटर लाइन हमने बिछाई है जिसमें लगभग 304 लाख रुपये हमने खर्च करें। आपको आश्चर्य होगा मेरी बात सुन के, लगभग हमने छोटे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 4000 से ज़्यादा ट्रांसफार्मर लगाए और उस पर हमने लगभग 6000 लाख रुपये से भी ज़्यादा खर्च हमने इसमें करा है। एक बहुत बड़ी उपलब्धि मेरी विधानसभा क्षेत्र में है जिसमें हवा से बिजली बनाने के कारखाने जो हैं और विशेष करके कमठाना बड़ा गांव सुरेल संदला इस पूरे बेल्ट में हमने लगा और लगभग 360 करोड़ रुपए हमने उस पर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हुआ, उद्योगपतियों ने लगा और लगभग 60 मेगावाट बिजली हम आज हवा से बना रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ और बताऊँगा, क्योंकि बिजली 4 तरीके से बनती है, एक पानी से बनती है, एक हवा से, एक सूर्य की रोशनी से और एक कोयले से। हमने हवा से जहाँ मैंने कहा कि 52 मेगावाट बनी, हमने सोलर लाइट का भी बहुत बड़ा काम इस क्षेत्र में करा है। हमने लगभग 90 स्ट्रीट लाइट सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई, कुछ घरेलू स्ट्रीट लाइट भी हमने बांटी है। हमने नागदा हॉस्पिटल में और बिरला ग्राम थाने में भी सोलर पावर पैक लगाया जिससे सोलर से बिजली बन सके। कुल मिला के मैं ये कह सकता हूँ कि 132 केवी ग्रिड दो हैं, दोनों 2003 के बाद में लगे, बुरानाबाद और गढ़ी भेसोला का भी काम चालू हुआ है और पूरे 70 साल की आज़ादी में 33 केवी ग्रिड लगे हैं। उस 25 में से 14 ग्रिड मात्र हमने 14 साल में लगाए। आपको बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि एक चमत्कार था जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी चौहान ये कहते थे कि मैं 24 घंटे लाइट गांव में दूंगा और 10 घंटे सिंचाई के लिए दूंगा, तो कल्पना लगती थी, एक सपना लगता था, लेकिन आज हम 24 घंटे गांव में और 10 घंटे लाइट हम सिंचाई के लिए दे रहे हैं। और अभी तो असंगठित कर्मचारियों के लिए हमने कहा कि 200 रुपये हम देंगे, एक बहुत बड़ी मात्रा में हम किसानों को सब्सिडी भी देते हैं। तो बिजली के क्षेत्र में, क्योंकि 2003 के पहले और आज, और हम कहते थे कि सड़क बिजली पानी स्वास्थ्य शिक्षा इन की मूलभूत सुविधाओं को हम इस मध्य प्रदेश में अमूलचूल परिवर्तन करेंगे और आज बिजली के क्षेत्र में
मेरी विधानसभा में ही, जहां मैं आपको लगभग मेरी विधानसभा में बिजली के क्षेत्र में 450 करोड़ से ज़्यादा का काम इन 4 सालों में हुआ है, मतलब प्रति वर्ष 100 करोड़ के आसपास काम बिजली के क्षेत्र में हुआ है। ये एक बड़ा फिगर है जो है, और इसलिए मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, माननीय हमारे विद्युत मंत्री जी और माननीय गहलोत जी, माननीय सांसद जी, इन सब के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। तो निश्चित रूप से ये कहूँगा कि जनता का आशीर्वाद सहयोग मुझे मिलता है।